आज ही उसने हमें अंडा दे दिया। अब शुरू होंगे फड्डे फसादात। अब आप देखें लड़ाइयां यहाँ पे, एक के पीछे एक भागते ही हैं। अरे क्या हो गया भाई, क्यों चीखे जा रहे हो? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज जो हमारे हीरा हैं, हीरा का जो पेयर है दोस्तों, ये हमारे मुर्गे और ये दो मुर्गियाँ, तो इनमें दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को बताऊं, आप लोग देख रहे होंगे कि इस केज के अंदर तो हमारा तीन मुर्गियां थी और ये एक हीरा मुर्गा। हाँ हाँ दे रहा हूँ, रुक जाओ। तो ये रही एक मुर्गी जो छोटी थी सबसे, और वो वाली एक मुर्गी। तो इनमें एक गंजी मुर्गी थी दोस्तों, वो कहाँ है? तो दोस्तों उसको हमने अलग करके रख दिया है उस वाले केज में नीचे, क्योंकि बच्चा जो था वो हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब उसको अलग क्यों करा है? क्योंकि दोस्तों उसने आज ही देख लें, अलग करने का ये फ़ायदा हुआ, आज ही उसने हमें अंडा दे दिया। तो इस चीज़ की मुझे काफ़ी खुशी हो रही थी कि हमारा हीरे का जो अंडे हैं वो आना शुरू हो गए हैं, और बड़ी खुशी हो रही है यार। यकीन मानो हीरे का पहला अंडा आ गया, मुर्गी से फर्टाइल एग आया है। एक और चीज़, हमारा जो हीरा है दोस्तों वो एक उस वाली मादी के साथ गंजी, और एक जो हमारी अंदर नीचे बैठी हुई है गलवा मादी, उसके साथ भी पेयर लग गया है। इसका पूरे का पूरा सेट हो गया, ये जोड़ मार रहा है, इंशाल्लाह वो भी अंडे देना शुरू कर देगी। जैसे इनके ज़्यादा अंडे आते हैं फिर हम देखेंगे कौन सी कुड़क होती है, अगर हुई कुड़क तो ठीक, नहीं तो कुड़क कर लेंगे उसको और क्या करेंगे, और कुछ अंडे हम इनक्यूबेटर में रख देंगे। तो इनक्यूबेटर से मुझे याद आया कि काला खान के अंडे भी तो हैं भाई, वो तो रखे हुए कितना टाइम हो गया, तकरीबन दोस्तों 14-15 दिन हो गए होंगे, बस कुछ दिन रह गए, उसके बाद बहुत दिल से इंतजार है, और मेरी वो है कि बस उम्मीद ना टूटे, अंडों में से बच्चे निकल आए बस दोस्तों। खैर दोस्तों इन्होंने बहुत बड़ी खुशी दी आज, यकीन जाने मुझे बहुत खुशी हो रही है। हीरा तुमने खुश कर दिया आज दिल। इनको मैं दाना पानी डाल देता हूँ दोस्तों, फिर हम चलते हैं छत पे, उन सबको भी खोलें और इसको अपनी जगह पे रख देते हैं। यार दोस्तों ये खुशखबरी मिलती है, एक बैड न्यूज़ मिल जाती है। मैंने इन सारों को खाना पानी डाला था जितने में काला खान के खाने में आया, तो वो देखें सामने, उनको अभी दाना डाला मैंने, वो देखें दोस्तों छिलके पड़े हुए नीचे, छिलके पड़े हुए, ये देखें ये सारे वाइट वाइट जो है ना, ये छिलके पड़े हुए अंडे के, मादी ने अंडा दिया होगा, ये भाई साहब खा गए, मज़े से खा रहे हैं, इनको कोई होश ही नहीं है, जैसा गुस्सा आ रहा ना इस पर अभी। काला खान तुमने पूरे अंडा ख़राब कर दिया, और दोस्तों फर्टाइल एग था, खैर खा गया तो खा गया, ये खाओ खाओ, दगा पड़ा है खाने में, मादी को हटा देता है। हीरा का आया अंडा और काले खान कर दिया। तो दोस्तों इनको दाना पानी कर दिया, अब चलते हैं हम जल्दी से छत पे। आ जाओ चलो भाई आ जाओ, एक एक करके खोलते हैं। दोस्तों हर बार की तरह सबसे पहले हम खोलेंगे अपने पिजन्स को जो के बैठे हुए यहाँ, और यार यहाँ से मुझे कॉकटेल भी दिख रहा है, दोनों साथ बैठे हुए, ये देखें वो बैठे हुए नर पीछे आगे मादा। दोस्तों कल ऐसा हुआ कि शाम में जब मैं इन लोगों को बंद कर रहा तो इसमें से एक कॉकटेल गायब, अब मादा मुझे दिखे नहीं हो, अब मैं उसको ढूंढूं भाई, अब थोड़ा सा ऊपर है ना तो मुझे यहाँ से दिखने में देखें मुश्किल होती है हांडी में, तो हांडी में मैंने ऐसे उचक के देखा तो कोई नज़र नहीं आया, फिर मैंने कुर्सी रख के जब देखा ना तो ये अंदर बैठी हुई भाई, यकीन माने दस जब तक पाँच मिनट होंगे तब तक के लिए तो मैं परेशान हो गया था, मैंने लगे गया एक ना एक, तो इनमें से मैंने निकल गई, नर बैठा हुआ है, मादा चली गई भाई, अब हम फंस गए। फिर ये देखी तो मेरी जान में जा नहीं, बाकी हांडी में थी, और हमारे प्यारे से पांपोश कबूतर जाओ चलो इनको खोल दिया दोस्तों। इसके बाद हम इनके साथ थोड़ी मुर्गियां वगैरह भी खोल देते हैं ताकि इनको आदत पड़ जाए और ऐसे ही ये आदि हो जाए इनके। थोड़ा सा दाना डालूं, देखता हूँ खा रहे हैं या नहीं। चलो यार खाओ या फिर धूप सेक लो, जो करना है तुम्हारी वो है। मैं इनको पिंजरे में भी दाना डाल देता हूँ दोस्तों, क्योंकि बाहर ये ज़्यादा खाते नहीं है, ये रहा बाहर खाते नहीं है, तो इस वजह से पिंजरे में भी डाल देता हूँ। सिर्फ एक माती खाती है हमारी, ये जो बैठी हुई है दोस्तों ये खा लेती है, बाकी कोई भी नहीं खाता दाना। बड़े वाला प्याला भी भर के रख देता हूँ पानी का, और फिर इन मुर्गियों को खोलते हैं हम, और छोटे जितने बच्चे ना उनको खोल देते हैं। अकेले दोस्तों मैं इन लोगों को ना सिर्फ सामने खोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं अभी मुर्गियाँ खोलूँगा तो ये जो है ना हमारे जितने भी हैं ये पेयर नहीं बन पाएंगे और साथ सही से नहीं रहेंगे दोस्तों, ये होता है इनमें।
तो अकेले में शाम में खोलता हूँ। इस वक्त गर्मी इतनी होती है ना कि मैं इनको खाना आना खिला के नीचे चले जाता हूँ, फिर दोस्तों शाम में जल्दी आके खोल देता हूँ। तो ये होता है 20-25 मिनट उन्हें खोला, फिर उन्हें खोला, ताकि ये थोड़ा पेयर वेयर बना के साइड हो जाए। इंशाल्लाह हो जाएंगे, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है भाई। अब हम इन्हें खोलते हैं अपनी मुर्गियों को। चलो भाई आ जाओ, पहले आप खुल जाओ, आ जाओ हमारी मुर्गियों, मिशी मुर्गियों आ जाओ। शिकरे को दोस्तों बंद रखेंगे, शिकरा जो है ना वो हमला करता है उनपे, जो हमारे कबूतर हैं, इस वजह से मैं इसको उनके साथ अभी खोल भी नहीं। तुम आ जाओ, तुम तो वैसे ही मारते हो उनके दुश्मनों जा रही है ना, तुम्हें भी नहीं खोलना बेटा, तुम बहुत चलाक हो, बहुत मारने वाला ये। इसका मैंने नाम नहीं रखा था, चलें काम करते हैं। वो शिकरा है, ये ईगल है दोस्तों, आज से इसका नाम ईगल है। जब तक ये हमारे घर पर है तब तक ये ईगल है। चलो जल्दी जल्दी खाओ, क्या हुआ दाना डालूं? चलो यार इन्हें दाना डालें थोड़ा सा। हाँ 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 हाँ, जल्दी जल्दी खाओ सारे। यार ये लोग क्यों घूमते रहते हैं नहीं ऐसे, ये कबूतर अच्छे लगते हैं फिर भी ये दोनों खाते रहते हैं। उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, लेकिन जल्द एडजस्ट हो जाएंगे। अरे इसको तो मैं भूल ही गया था दोस्तों, इस पर नज़र बाद में पड़ी मेरी। चलो बाहर जाओ, अरे बाहर आओ, मेरे क्यों काट रहे हो? अब शुरू होंगे फड्डे फसादात, अब आप देखें लड़ाइयाँ यहाँ पे, एक के पीछे एक भागते ही हैं। दोस्तों काफ़ी देर हो गई है, तो मैंने सोचा अब शिकरे को भी खोल दिया जाए और इनको भी खुला रहने देता हूँ। अगर ये देखूँगा मैं कि अल्लाह ना करें इनके पास, थोड़ा सेफली बैठूँगा कि हमला ना करें। आ जाओ शिकरे, सबसे पहले तो शिकरा इन सबको मारेगा दोस्तों, देखा, सबसे पहले तो इन सब पे हमला करेगा। ये सारे भाग जाते हैं शिकरे से, शिकरे की दहशत ही अपनी है। अरे यार ये भी उठा के ले आया, देखो मैं पिंजरे के चक्कर में। बेटा एक जगह में डालूंगा ही नहीं, तुम किसी को खाने ही नहीं दोगे। देखा 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 दोस्तों, ये देखें ये देखें ये देखें, इसलिए मैं शिकरे को ना चारों तरफ फैला के डालता हूँ कि सब भी खा लें और ये भी खा ले, बाकी को खाने नहीं देता। दोस्तों हमारे कबूतर अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ सेट हैं, और काफ़ी सेट हैं पहले से। देखें ना यार, कहाँ रस्सी अटका के बैठे हुए, लाओ चलो जाओ, चलो जाओ स्टैचू। यार जो हमारा ईगल है ना दोस्तों, इसको हम अंदर ही खाना डाल देते हैं, क्योंकि बहुत बेचैन होगा भाई, गिराने की जरूरत नहीं है। ये लो हाँ हाँ, इसको लेट खोलता हूँ ना सबसे एंड में, क्योंकि दोस्तों ये और ईगल हमारा और शिकरा दोनों बड़े गंदे लड़ जाते हैं। अरे क्या हो गया भाई, क्यों चीखे जा रहे हो, क्या मसला है? यार मैं ऊपर से जल्दी जल्दी में आया हूँ, ऐसे चीख रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। अंडा तुमने सुबह दिया है, चीखने में तुम अभी लगी हुई हो, ऐसे पता नहीं क्या कर दिया तुमने। अरे कशान क्या हाल है, आ जाओ आ जाओ भाई। कशान उठ गए, काफी टाइम बाद आप लोगों को दिख रहे होंगे, ये इतने बड़े हो गए माशाल्लाह, देखें क्या हो गया। नो नो दोस्तों, ये थी वो गलवा मार दी जिससे हमारा हीरा मुर्गा सेट हो गया है, और एक इससे सेट हुआ है, तो ये दोनों मुर्गियों के साथ सेट हो गया मुर्गा। इनका हम पिंजरा ढूंढ रहे हैं, जैसे ही बड़ा पिंजरा मिलता है इनको शिफ्ट करके इनके साथ रख देंगे, और वो जो छोटी मादी उसको हटा देंगे। बाकी दोस्तों मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूं यार, हीरे ने का जो अंडा आ गया ना हमारे पास। और जिन जिन लोगों के पास हीरा है वो कमेंट में बताएं कि उनके पास कितने हीरे हैं और क्या क्या है। बाकी दोस्तों किसी भाई को कोई सवाल हो मुर्गियों के हवाले से, बर्ड्स के हवाले से, तो मुझसे लाजमी करें, मैं उस पर वीडियो भी बनाऊंगा और कमेंट में भी जवाब दे दूंगा। खैर दोस्तों, तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई है तो मेरी आज की वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल घर में जॉब को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए व्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय। तुमने अच्छा नहीं करा खाले का अनाज, हाँ एक हमसे यार छोटी सी गलतफहमी हो गई थी दोस्तों, अंडा नहीं दिया था मुर्गी ने, नीचे जो मैंने उसको दाना डाला था ना उसमें अंडे के छिलके थे, वो वही घूम रहे थे, बेचारा खामा खाई मेरे से सुन तो मेरी गलती है भाई, वो अंडे के छिलके वैसे थे खाने के, इसके तो अंडा नहीं दिया था।